नमस्कार साथी, मैं मुकेश खेरा आपके बीच में अपने कुछ व्यूज़ लेके आया हूँ दिल्ली के बारे में। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरा वोट मेरी ताकत, तो मैं वही दिल्ली का वोटर हूँ जो आज अपनी सरकार से कुछ कहना चाहता हूँ। मैं दिल्ली का दबंग वोटर, एक आम आदमी जो आज कोरोना की मार से मर रहा है, मुझे मेरी किस गलती की सज़ा मिल रही है? मैं दिल्ली का वही समझदार वोटर हूँ जो कभी कहा जाता था कि दिल्ली की एजुकेटेड वोटर्स पॉपुलेशन हमेशा सोच समझकर सही निर्णय करती है। क्या मैंने अपना निर्णय गलत किया? क्या 2019 में देश का प्रधानमंत्री जब चुनने का अवसर था तो मैंने नरेंद्र मोदी जी को अपना मत दिया? दिल्ली लोकसभा की सात सीटें मैंने बीजेपी की झोली में यह सोच कर डाल दी कि मेरे देश को सही ताकत और सही निर्णय और सही नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी ही दे सकते हैं। क्या मेरा वो डिसीजन देश के लिए गलत था? क्या मोदी जी मेरी चुनी हुई ताकत नहीं हैं? क्या मोदी जी इस देश के सही प्रधानमंत्री नहीं हैं? आज मुझे अपनी सोच पर थोड़ा सा फिर विचार विमर्श करने का एक अनुभव हो रहा है। मैं ये सोचता हूँ कि आज जब मैंने मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना था तो ये सोचा था कि दुश्मन की आँख में आँख मिलाकर सिर्फ एक ही आदमी देश में जवाब दे सकता है, वो है श्री नरेंद्र मोदी। वो इसीलिए क्योंकि वही एक ताकत इस देश में दिखाई देते थे जो प्रधानमंत्री पद के काबिल हैं। मैंने 2019 में दिल्ली का वोटर होने के नाते श्रीमान नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री चुना, परंतु आज जब इस कोरोना काल में दिल्ली का वोटर मर रहा है तो कहाँ है मेरे देश का प्रधानमंत्री? कहाँ है? मैं सिर्फ यही सवाल पूछता हूँ। जब 2020 आया और दिल्ली का दबंग वोटर मुझे कहा गया, तो इसलिए कहा गया कि मैंने आम आदमी पार्टी के मुखिया श्रीमान अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की कमान सौंप दी। 70 की 70 सीटों में से 62 सीटें मैंने आम आदमी पार्टी की झोली में केवल यह सोच के डाल दी कि मेरे दिल्ली को केवल एक ही आदमी सही दिशा और सही तरक्की दे सकता है, और वो है केवल केवल श्री केजरीवाल, श्री अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। मैंने 62 की 62 सीटों पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को दिल्ली की कमान सौंप दी। क्या मैंने गलती की? क्या आज इस कोरोना काल में मैं जब ये देखता हूँ कि हर तरफ चीख पुकार, मौत की ही खबर सुनने को मिलती है, तो मैं फिर एक बार सोचने पर विवश हो जाता हूँ, क्या मैंने एक पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति की सरकार को चुनकर गलती की? क्या मैं दिल्ली का वोटर, जिसे देश में सबसे ज़्यादा समझदार वोटर कहा जाता है, क्या मैं उस समय गलती कर गया 2020 में जब कोरोना की लड़ाई लड़ी जा रही थी और दिल्ली एक मिसाल के रूप में देश में नहीं विश्व में अपना एक अलग रुतबा पैदा करने में कामयाब रहा, तो मुझे लगा कि दिल्ली का वोटर एक दबंग और सही चुनाव करने वाला वोटर है। मुझे उस समय काफ़ी राहत दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार से प्राप्त हुई, लेकिन वहीं आज दिल्ली का मैं वोटर लाल लाल चिंगारियों के बीच घिरा हुआ हूं। मुझे कौन आके बचाएगा? कहीं मैं कुछ गलत चुनाव तो नहीं कर गया? आज मेरी दिल्ली कोरोना से मर रही है, हर तरफ आग ही आग, लाल लाल आग, चिताओं के उठते शोलों की आग। मेरा भाई, मेरी बीवी, मेरा पति, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे दादा, मेरी दादी, मेरे मित्र, मेरी सहेली और मेरे पड़ोसी सब हाहाकार कर रहे हैं। आज हर तरफ लोग चिल्ला रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, लोग अपने दर्द को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, इतना दर्द दिल्ली के वोटरों के अंदर भर गया है। मेरी सहेली, मेरा पड़ोसी सब चिल्ला रहे हैं। आज इधर उधर सुनता हूँ तो उस अस्पताल में ऑक्सीजन ख़त्म है, कभी उस अस्पताल में ऑक्सीजन ख़त्म है। क्या मैंने अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी को देश की कमान देकर कुछ गलत किया? क्या मुझे दिल्ली का मुखिया अरविंद केजरीवाल को चुनकर गलती की? क्या मैंने देश की सरकार में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को कमान देकर गलती की? आज जब मैं सुनता हूँ कि ऑक्सीजन की कमी से 25 पेशेंट एक हॉस्पिटल के अंदर मर गए, तो मैं अपने डिसीजन पर सोचने पर फिर से सोचता हूँ, क्या मैंने सही किया? आज हॉस्पिटल में जब ऑक्सीजन की कमी से डेथ की खबर आती है तो मैं सोचता हूँ
क्या मेरा मुख्यमंत्री, क्या मेरा प्रधानमंत्री केवल इस बात को लेकर ही लड़ते रहेंगे कि दिल्ली का वोटर किसको पसंद करता है। आज मुझे देश को चलाने के लिए, दिल्ली को चलाने के लिए एक लीडरशिप की ज़रूरत है। मैं फिर प्रार्थना करता हूँ अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से, आकर मेरी दिल्ली को बचा लो, मेरी दिल्ली को बचा लो। मोदी जी हमें ऑक्सीजन दे दो, केजरीवाल जी हमें ऑक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था करा दो। मोदी जी, आज मेरा देश, मेरी दिल्ली कहीं पीछे पिछड़ गई है, लोग हाहाकार मचा रहे हैं। क्यों, आखिर किस लिए, क्यों हम दिल्ली के नागरिक होने पर भी हमारा मूलभूत अधिकार छिनता जा रहा है। आज प्रोटोकॉल का मुद्दा जो आपने उठाया, जब केजरीवाल जी ने आपसे ऑक्सीजन की मांग की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों मेरा देश का, क्यों मेरी दिल्ली का मुख्यमंत्री हाथ जोड़कर मेरे देश के प्रधानमंत्री से ये फरियाद करता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से की जाए। क्या दिल्ली के दबंग वोटर का केवल इतना अधिकार भी नहीं बचा। मैं दिल्ली का वोटर आज अपने आप को फिर एक बार चिताओं के बीच घिरा हुआ महसूस करता हूँ। आज हॉस्पिटल में जाओ तो बेड की कोई व्यवस्था नहीं है। आज किसी भी हॉस्पिटल में बेड को लेना इस तरह हो गया है कि जैसे कि आपको कोई भगवान प्राप्त हो गए हों। जिस तरह से बेड मिलना मुश्किल हो गया है, दिल्ली में दवाई नहीं है, लोग वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। कई कई दिनों में उनका नंबर आता है तो पता लगता है कि वैक्सीनेशन ही ख़त्म हो चुकी है। क्या मेरी दिल्ली इस परिस्थिति से कभी उबर पाएगी? क्या मैं आज उस चीज़ को याद कर पाऊँगा कि जब दिल्ली मर रही थी और दिल्ली में मरीजों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं थी, तब मेरी दिल्ली को बचाने कौन आया? आज मैं फिर एक बार अपने देश के उन आकाओं से प्रार्थना करता हूँ, अपने दिल्ली के उन मालिकों से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी दिल्ली को बचा लो, मेरी दिल्ली को इन लाल लाल आग के शोलों से बचा लो। आज मेरे मजदूर भाई जो दिल्ली को छोड़कर विपरीत परिस्थितियों में भागने पर मजबूर हैं, क्योंकि वह दिल्ली को एक रोजगार की नगरी के रूप में देखने के लिए आए थे, परंतु आज दिल्ली एक तालों का शहर बन गया है। हर तरफ लॉकडाउन ही लॉकडाउन, हर तरफ खाली सड़कें। क्या मेरी दिल्ली ऐसी थी? आज हर जगह हर कोई प्रयास कर रहा है हॉस्पिटलों के लिए, बेडों के लिए एक जंग लड़ी जा रही है। मेरी दिल्ली को इस कोरोना जैसे नरपिशाच से बचा लो, मेरी दिल्ली को सुरक्षित हाथों में पहुंचा दो, चाहे वो किसी भी कोई भी सरकार हो। आज उसका केवल एक ही फर्ज बनता है कि आपसी टकराव को भूलकर दोनों मिलकर मेरी दिल्ली का दबंग वोटर जो मरा जा रहा है, मेरी दिल्ली का वोटर जो कहीं पीछे छूट गया है, उसको आज एक जीवन रूपी अमृत ऑक्सीजन की ज़रूरत है। उसको ऑक्सीजन दिला दो, उसको बेड दिला दो। कहीं ऐसा ना हो कि समय इतना लेट हो जाए कि हम दिल्ली को बचा ही ना पाए। तो मेरा अपने देश के और दिल्ली के आकाओं से एक बार फिर नम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आकर मेरी दिल्ली को बचा लो, मेरी दिल्ली को सुरक्षित हाथों में एक बार पहुंचा दो। मैं फिर वही दिल्ली का दबंग वोटर बनना चाहता हूं जो बड़े ही गर्व से ये कहता था कि दिल्ली का वोटर हमेशा शिक्षित और समझदार रहा है। उसने हमेशा से ही परिस्थितियों में ना फंस कर एक दूरगामी और दूरदर्शी निर्णय लिया है। तो मैं वही दिल्ली का दबंग वोटर बोल रहा हूँ। मैं किसी पार्टी विशेष, किसी धर्म विशेष को ध्यान में ना रखते हुए केवल दिल्ली के वोटर की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी दिल्ली को कोई तो बचा लो, कोई तो आओ और दिल्ली को सुरक्षित हाथों में पहुँचा दो। नमस्कार साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरे इस अनुरोध के बाद शायद मेरी दिल्ली को बचाने वाला कोई आ जाए। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। जो भी व्यूज़ होंगे हम आगे इसी तरह एक दूसरे के साथ शेयर करते